Hello students, I hope all you are fine, healthy and safe at your home. So, आज हम बात करेंगे various career options after 12th biology and mathematics. क्योंकि आप सबके 12th biology and maths के exams हो चुके हैं और अभी ये जो time है, इस time में आप अपने target को अपने interest के according set करें. इसलिए जो यह वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके वेरियस करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा. अभी ये जो वीडियो है ये बायोलॉजी पर बेस्ड है और इसका पार्ट टू जो है वो मैथमेटिक्स पर बेस्ड होगा. तो बायोलॉजी में जो वेरियस करियर ऑप्शंस हैं वो आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, उनमें क्या फर्दर स्कोप है, इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. देखिए, सबसे पहला जो कोर्स होता है वो है MBBS. ये कोर्स जो होता है ये 5.5 ईयर का होता है और ये करने के बाद आप आफ्टर पीजी जो है आप किसी भी फील्ड के अंदर स्पेसिफिक डॉक्टर बन सकते हैं. इसके बाद आती है बारी DDS. आप डेंटल के तहत एडमिशन ले सकते हैं और आप डेंटल जो है सर्जन या डॉक्टर बन सकते हैं किसी भी वेरियस हॉस्पिटल्स के अंदर. और देखते हैं आगे BAMS जो आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन के संबंधित है, BHMS ये होम्योपैथी के संबंधित है, इसके अलावा BUMS जो यूनानी कोर्सेज के संबंधित होता है, इसके बाद में BNYS इसमें नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस आता है, इसके बाद में BSMS ये सिद्धा मेडिसिन से संबंधित होता है, इसके बाद में BBSC एंड AH यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर्स बनते हैं और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आप अपने जॉब या रोजगार आप अपना प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद में BPT यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, कोर्स जो होता है ये 4 ईयर का कोर्स होता है. इसके बाद में BOT ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ये कोर्स भी 4 ईयर का होता है. डिफरेंट जो इसके बाद में BSc होती है, जैसे BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BSc इन एंथ्रोपोलॉजी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी, BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, BSc इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, बी फार्मेसी और BMLT, बायोइन्फॉर्मेटिक्स फॉरेंसिक साइंस, इसके अलावा BSc इन जेनेटिक्स, फिशरी साइंसेज, मेडिकल साइंसेज और भी बहुत सारी BSc होती हैं. जैसे हम बात करते हैं आगे, जैसे BSc इन फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, BSc इन एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके साथ BSc इन सेरिकल्चर. फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है BSc के लिए, जैसे BSc इन टेक्सटाइल डिजाइन, BSc इन नर्सिंग और BSc इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन डिजाइन, है ना, बेजल इन डिजाइन कोर्सेज जो होते हैं, इस तरह के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा BSc इन जियोलॉजी, एक्वाकल्चर, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं. इनकी फर्दर जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर पर आके हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.